हमारे बीच उपस्थित एमएनआईटी के डायरेक्टर महोदय डॉक्टर भट्ट साहब, डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर सुरेश शर्मा सर एंड अन्य अतिथिगण, हमारे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट डॉक्टर जेबी राय सर, बच्चे एंड अभिभावकों, मैं जब पहली बार डॉक्टर भट्ट से इस बारे में चर्चा की कि 3 अक्टूबर को हमारा विश्व सर्वल पक्षी डे मनाया जाता है, इन बच्चों को कुछ प्रोत्साहन करने के लिए, कुछ आगे ले जाने के लिए ऐसा कार्यक्रम एमएनआईटी संयोग से होता है, एक उनको भी एक एक्सपोजर मिलेगा। एमएनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में जहाँ भी बहुत सारे रिसर्च होते आते आ रहे हैं और बहुत सारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, तो ये बच्चे भी आगे पढ़ करके इसी तरह के कुछ स्ट्रीम लाइन में जुड़ पाएंगे और उनका भविष्य उज्जवल हो पाएगा। दूसरा मेरा एक सोच ये भी था कि इन बच्चों के प्रति जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे लोग जो टेक्नोक्रेट्स बाहर निकल के जाते हैं, अभी तक जहाँ तक हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में भी यही रहता है कि सर्वल पाल्सी से ग्रसित बच्चे कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, जीवन पर्यंत डिसेबल रहेंगे, विकलांग रहेंगे, वो मिथ को तोड़ने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एक एमएनआईटी से ज्यादा बड़ा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो पता लगा 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी हैं, और जो मेरे को पता लगा कि आविष्कार का कार्यक्रम इसी दिनांक में हो रहा है, तो एक जान की खुशी हुई कि यहाँ इस आविष्कार कार्यक्रम के दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के छात्र भी यहाँ पे आएंगे, उनके बीच में ये सब चीजें बातों की चर्चा होगी कि ऐसे बच्चे भी चल फिर सकते हैं, हमारे लायक, हमारी तरह बन सकते हैं, तो उनको भी एक आशा की किरण दिखाई देगी। और ये सब मैसेज जब पूरे देश में जाएगा तो एक नया संदेश लेके जाएगा कि ऐसे बच्चे भी चल फिर सकते हैं और अपना जीवन एक स्ट्रीम लाइन में जोड़ करके नॉर्मल जीवन प्रक्रिया को शुरुआत कर सकते हैं। इस समय हमारे देश में 40 लाख से ज्यादा बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं। कुछ सालों पहले तक पोलियो की संख्या बहुत ज्यादा थी, बट अभी पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम हुआ, उसके तहत पोलियो के नए बच्चे अब नहीं होते हैं, तब सर्वल पाल्सी पे लोगों की नजर गई। और डॉक्टर साहब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे केवल अभी लास्ट ईयर से मनाया जाने लगा है, 2011 से, जबकि इंडिया में इसकी पहल आईएसईपी में 2010 से की थी नेशनल सेरेब्रल पाल्सी डे के। तो हम लोग सभी में आगे रहते हैं, बट अभी भी देश का दुर्भाग्य है कि 80% से ज्यादा बच्चे अभी भी डिसेबल रह जाते हैं, इनको मेन स्कूल में इनको एडमिशन नहीं दिया जाता है क्योंकि डिसेबल्ड है, ये पढ़ लिख नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि ये बच्चे मेंटल रिटार्डेंट होते हैं, अक्सर ऐसे बच्चों को स्पेशल स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है जहाँ पे पहले मेंटल रिटार्डेंट बच्चे ऑटिज्म एंड डाउन सिंड्रोम के रहते हैं, और जब ऐसे बच्चों को नॉर्मल पहले डिसेबल बच्चों को डाला जाता है, उसके मस्तिष्क पे जितना बुरा प्रभाव पड़ता होगा ये आप और हम नहीं सोच सकते, लेकिन पेरेंट्स ही सोच सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंस मैं ये चीज़ें बताना चाहता हूँ, जब किसी घर में एक बच्चे की आता है तो सबको खुशी होती है कि बच्चा हमारे घर में हुआ, लेकिन जब उसको पता लगता है कि उसका बच्चा किस लिए डिसेबल रहेगा जीवन पर्यंत, उससे ज़्यादा उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ता होगा और किसको हो सकता है। और अक्सर ऐसे बच्चों के चक्कर में दूसरे बच्चे या तो घरों में नहीं पैदा किए जाते हैं ना नहीं होते हैं, क्योंकि एक बच्चे की सेवा करना है और सेवा भाव में ही जीवन पर्यंत निकल जाता है, और अल्टीमेटली जब पेरेंट्स चले जाते हैं तो इन बच्चों की देखभाल करना किसी के बस की बात नहीं होती। अब ऐसे बच्चों के लिए सभी नॉर्मल स्कूल में एडमिशन देने से कोई भी स्कूल डिनाई नहीं कर सकता है, ये इंडिया गवर्नमेंट, यूनेस्को एंड वर्ल्ड WHO हर तरह से पॉलिसी बनी है इंक्लूसिव एजुकेशन का, एजुकेशन फॉर ऑल फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन डिपेंडिंग अपॉन देयर IQ कैपेबिलिटी। एक बच्चा फर्स्ट क्लास में जाने लायक है तो उसमें एडमिशन को दिया जाएगा, उसका प्रोविजन, उसकी सुविधाएं उस स्कूल अथॉरिटीज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन बच्चों के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में और जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं, गवर्नमेंट फर्म्स हैं, सभी जगह रिजर्वेशन दी जाती है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ऐसा मिलता है जो कि सर्वल पाल्सी या किसी तरह से फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसकी मेंटल IQ उस काम करने के लिए तैयार है, तो उसको प्राथमिकता दी जाती हर एक इंस्टीट्यूट में, क्योंकि उसकी जो पहचान होती है उस इंस्टीट्यूट की एक बहुत उच्च स्तर की मानी जाती है। तो मेरा अभिभावकों से यह भी एक अनुरोध है, मैंने स्पोर्ट एक्टिविटी आज नेशनल सर्वल पाल्सी डे में इसलिए भी कराया कि अभी मैं कुछ दिन पहले एक लिटरेचर पढ़ रहा था, उसमें ये चीजें थी कि एक्सरसाइज आप कराते रह जाइए, दवाइयां कराते रह जाइए, यदि बच्चों को स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कराते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं कराते, सोसाइटी में को नहीं लेके जाते हैं, तो जो डेवलपमेंट इन बच्चों का होना चाहिए था वो नहीं हो सकता है, इसलिए ये मैंने शुरुआत की। इसी तरह से मेरा प्रयास रहेगा कि हर साल एक स्पोर्ट एक्टिविटी संवेदना की तरफ से हो,
और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अभी संवेदना में लगभग 18 स्टेट से बच्चे यहाँ पे सर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और हम लोग का प्रयास है कि देश में संवेदना की लहर गूंजे और ऐसे जहां पर भी बच्चे हैं उन सबको इलाज का नया तरीका मिले। और हम लोग अपने ट्रस्ट की तरफ से जो दूर दराज से आ गए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत सारे जगहों पे आपको बिलीव नहीं होगा, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बड़े बड़े सेंटर जो माने जाते हैं वहां से भी बच्चे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इंटीग्रेटेड अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच जो होना चाहिए अभी भी पूरे देश में नहीं है। एक आर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते एक आर्थोपेडिक सर्जरी कर देता है, फिजियोथेरेपी अपने आप थेरेपी कराता है, बट जो फैसिलिटीज एक सेंटर पे होना चाहिए सभी सुविधाएं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत दिनों तक दूर दौड़ भाग नहीं सकते, उनकी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको अपना प्रोफेशन भी देखना है, इन सब की वजह से प्रॉब्लम्स आती है। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे ही तमाम टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहें। धन्यवाद।